अब शिमानो के काफी गियर्स आते हैं, एल्टर जो होते हैं सेकंड या थर्ड लेवल पे आता है। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स दिस बाइसाइकिल डिफरेंट, इफ यू सी द बोल्ट्स ओवर हियर, इसमें आपको एंड मैं इस वाली बाइसाइकिल के आपको डिसएडवांटेज भी बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑल अगर इसका डिटेल देखेंगे आप, इसको दबा के देखेंगे, इसमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है आप लोगों के लिए, इस चैनल पे होने वाले गिव अवे। एक्रॉल ने मुझे इतनी सारी यहाँ पर एसेसरी सेंड करी है। Previously you might have seen my video जिसमें मैंने आपको बताया था 24 speed versus 21 speed. That's where I showed you a mid-end bicycle that has incredible specs. पिछले वाली साइकिल में एक प्रॉब्लम थी कि उसमें माइक्रोशिफ्ट गियर्स थे एंड मैंने ये भी पॉइंट आउट किया था, लेकिन दिस टाइम दे ब्रॉट अ न्यू बाइसाइकिल द M800 Knox विद Altus ears. If you look at the bike, it seems kind of sporty. The frame is aluminium alloy, which makes the bicycle lighter. The handlebar is also wide enough ताकि आपको एक good posture मिले riding के time पर. Let's talk about the graphics of this bicycle, which make this bicycle kind of unique. First of all, you are greeted with Acron logo on the down tube. The logo has a letter which is the same color as the highlight on the paint. There's also a tire mark that covers the logo, showing off its off-road credentials. On the front, you can see another Acron logo with eagle on it. This shows that this bicycle is also fast. There's another graphic that says MDS, that is a mountain drive system. And even there's one more logo जो कि नीचे की तरफ से दिखता है. It says Ride Experience Explore. After finding that logo, आपको लगता है आपने कोई treasure hunt burn कर ली है. Now let's talk about the main feature of the bicycle, the specification. First of all, जो इसकी drive train है, that is the main thing. इसमें आपको Shimano का Altus मिलता है. अब Shimano के काफी gears आते हैं. Altus जो होते हैं, second या third level पे आता है. सबसे अलग teaser आ गया, आपको entry level का gears, then आपको tourney आ गया, फिर जाके ये वाला Altus आया. इसमें जो Altus का model है, that is M310. So if you can see over here, यहाँ पे आपको पीछे 8 gears मिल गए, and सामने आपको 3 gears मिल गए. जो total combination हुआ, that is close to 24 speed. साथ में इसमें आपकी free wheel नहीं मिलता, इसमें आपको cassette मिल जाती है. That is also 1132 teeth वाली. अब फर्क क्या होता है, cassette में आपको एक तो स्ट्रॉन्गर बिल्ड मिलता है, आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, एंड ये काफी ज्यादा हाई एंड भी मानी जाती है. अगर आप फ्यूबिंग कंसीडर करेंगे वो आपके एंट्री लेवल बाइसाइकिल्स में आती है. Also, there are few bicycles in India जो इस सेगमेंट में आपको Altus गियर्स देती हैं. ज्यादा तो होती हैं तो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, एंड जो सस्ती होती है उसमें आपको टूनिंग गियर मिल जाते हैं. इफ यू सी द फ्रेम, द हैंडल, द स्टेम, seat post, pedals, brake set, even the rims, these are all aluminium in this bicycle. Especially if you consider other bicycles, तो कई बार क्या होता है जो आपकी ये वाली सीट पोस्ट होती है वो चेंज करके आपके स्टील के डाल देते हैं. जो कि हैंडल बार होता है वो भी स्टील का देते हैं, क्योंकि हैंडल बार में पता नहीं लगता कि स्टील है अलॉय है, तो इस चीज़ से कई बार वो कॉस्ट सेविंग कर देते हैं. इफ यू नोटिस द हब्स ऑफ द बाइसाइकिल, दीज आर ऑल्सो एल्यूमिनियम. You also get a fun suspension in this bicycle, a normal suspension नहीं है. इसमें आपको lockout का feature मिल जाता है. Lockout के साथ इसमें आपको preload adjustment मिल जाती है. That means अगर आपको जो weight होता है उस हिसाब से इसका adjustment हो जाती है. Talking about the performance of the bicycle, इसमें आपको Kenda के tyres मिल जाते हैं. And Kenda के जो tyres होते हैं on road performance उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा free rolling वो होते हैं. तो अब इसकी जो bicycle चलाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगी. And why is that a big deal? Because ये imported tyres हैं. एंड आपको पता होगा इंडिया में टायर्स इंपोर्ट करना काइंड ऑफ डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इनमें बैन लगा हुआ है. द चेन ऑन दिस बाइक इज फ्रॉम KMC एंड द मॉडल इज Z8. इफ यू सी द क्रैंक ऑफ दिस बाइसाइकिल, दिस इज फ्रॉम प्रो व्हील, एंड इसमें आपको 24, 34, 42 टीथ आपको मिल जाते हैं. नाउ व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स दिस बाइसाइकिल डिफरेंट, इफ यू सी द बोल्ट्स ओवर हियर, इसमें आपको एंटी रस्ट बोल्ट्स मिलते हैं. अगर आप दूसरी बाइसाइकिल देखेंगे उसके जो बोल्ट्स होते हैं ओवर द टाइम रस्ट कर जाते हैं. इवन माई डुकाडी जो कि इतनी एक्सपेंसिव खरीदी थी उसमें जो बोल्ट थे वो ऑलरेडी रस्टेड थे. Even the brake cables are not the regular ones. इसमें आपको Jaguar की brake cables मिलती है. These are the same ones जो मेरी carbon fiber bicycles में आपको दिखी थी. Also frame को clean बनाने के लिए इसमें आपको internal cable routing मिल जाती है. The seat on this bicycle also looks sporty. मुझे लगा था disadvantage मैं बोलूँगा, लेकिन मैं जब इसको ride करा मुझे performance भी ठीक आ रही थी, movement में leg की ठीक थी, and मुझे comfort भी थोड़ा बहुत इसमें मिल रहा था. लेकिन however अगर आपको long ride करने तो आपको cycling shorts की जरूरत पड़ेगी.
एंड ऑल्सो इसमें आपको फ्रंट में क्विक रिलीज मिल जाता है, दैट मीन्स आप इस साइकिल को ओपन कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में इजिली डाल सकते हैं एंड कहीं पर भी जा सकते हैं। Now talk about how it feels on the road. जब मैं इसको ride कर रहा था, इसकी geometry मुझे काफी ज़्यादा perfect लगी। One reason might be जो इसका size है, that is 27.5, which is kind of fit for my height. Overall जब मैं इसको ride कर रहा था, तो काफी ज़्यादा balance audio feel कर रही थी। Maybe इसमें aluminium के parts लगे हुए हैं, and उसकी वजह से weight distribution ठीक होगा। When I was shifting the gears while riding, तो इसमें Altis की वजह से मुझे काफी smooth shifting मिल रही थी। And because of the ratio, मुझे high speed riding भी easily मिल रही थी। मैं इसको off-road भी लेके गया था, उसकी performance इसकी काफी अच्छी थी। I would say अगर आप 80% road riding करते हैं, 20% off-road करते हैं, तो this kind of a perfect bicycle for you. Also, जब मैं इसको ride कर रहा था, जो मेरे palm थी, उसमें काफी अच्छा support मिल रहा था मुझे। Maybe this is because of the hybrid grips that are available in this bicycle. As you know, this channel is good only because it is unbiased. And मैं इस वाली bicycle की आपको disadvantage भी बताना चाहता हूँ। First of all, अगर इसका derailleur देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा दबा के देखेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा chain slap आता है। Maybe this is because ये थोड़ा सा road focus है। Mountains में भी चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर आपको थोड़ी सी frame पे chain protection की जरूरत पड़ेगी। ऑनेस्टली मैंने डिसएडवांटेज में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि जिसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन है बाइसाइकिल की, उसके हिसाब से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दे दी है, तो इसका प्राइस भी थोड़ा राइज हो जाता है। लेकिन तब तक मुझे इस बाइसाइकिल की MRP पता थी, जो एग्जैक्ट कंक्लूजन है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज। द पेडल्स ऑन दिस बाइसाइकिल आर फ्रॉम नेको। मैंने देखा है जो सारी बाइसाइकिल्स उसमें नेको के पेडल्स ही आ रहे हैं आजकल, लेकिन जो नेको के पेडल हैं दिया थोड़े से हार्ड होते हैं रोटेट करने में, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे पेडल से। लेकिन अगर जब राइडिंग करेंगे तो लोड में भी ये काफ़ी ज़्यादा आपको सही रखते हैं। एक डिसएडवांटेज लगी, जो आप पुराना M800 Pro मॉडल देखते थे उसमें आपको माइक्रोशिफ्ट गियर्स मिलते थे, इस वाली बाइसाइकिल में आपको Altis गियर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप शिफ्टर नोटिस करेंगे इस वाली बाइसाइकिल में, तो इसमें आपके जो ब्रेक पेडल हैं एंड जो गियर्स हैं वो एक ही यूनिट में आती हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज ये होगी, जो पुरानी वाली बाइसाइकिल थी उन्होंने बोलते हैं एडवांटेज है कि आप हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा आपको खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। ऑल्सो मैंने एक और चीज नोटिस की, जो इसका कैंडा का मार्क है ऑन द टायर्स, वो एक ही साइड पर लगा हुआ है, दूसरी साइड पर है ही नहीं। तो एक साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको Altis गियर मिल जाएंगे, आपको कैंडा के टायर्स मिल जाएंगे, आपको लगेगा बहुत ही एक्सपेंसिव बाइसाइकिल है। लेकिन आप दूसरी साइड से बाइसाइकिल को देखेंगे तो आपको ऐसे कुछ पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा नॉर्मल सी साइकिल है। Now the weight of the bicycle, this is close to 14.5 kgs. इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रेम के, दैट इज 27.5 एंड 29er, एंड उन दोनों के जो फ्रेम साइज होंगे आपको यहाँ पर मैंशनड होंगे। Now coming to the main point, इस bicycle का प्राइस क्या है। जब मुझे इसके MRP पता लगी साइकिल की, दैट वॉज क्लोज टू 29,000 rupees, 28,999, तो मुझे लगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाइसाइकिल है, ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड इजीली नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि इसमें काफ़ी सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, जैसे अगर आप जाएंगे 20% के आसपास ऑफ मिल जाएगा, एंड आई गेस अभी जो इसके प्राइस है दैट इज क्लोज टू 23,500 ऑन दी लोकल डीलर्स, तो उस हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन काफ़ी सही है। Let's also do some testing of this bicycle. आपको याद होगा पहले मैं फ़ोन से अपना GPS की स्पीड निकालता था एंड उससे कैलिब्रेट करके मैं अपनी ब्रेकिंग करता था, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट कर लिया। मैंने यहाँ पे गार्मिन ले आया हूँ, दिस इज़ क्लोज टू लाइक 28,000 rupees, लेकिन मुझे काफ़ी अमेजिंग डिस्काउंट पर ये मिल गया, दिस इज़ ओनली फॉर लाइक 17,000 rupees। एंड हम इसमें पहले इसकी देखेंगे 20 की स्पीड पर जाएंगे, एंड उसके बाद हम इसमें अचानक से ब्रेक मार देंगे एंड फिर देखते हैं डिस्टेंस कितना आता है। जैसे 11, 12, 13, 15, 20, काफ़ी लॉन्ग थी यार। दिस इज क्लोज टू 3.3 meters होना चाहिए, देखते हैं, बहुत लंबा है यार। मैंने एक्चुअल में जैसे फ्रंट की ब्रेक है बहुत ही ज़्यादा ढीली रखी हुई है, इतना दबा के भी ब्रेक नहीं मार रही है। तो उसमें हम टेस्ट करेंगे व्हीलिंग हो पा रही है कि नहीं, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ इजी बिकॉज ये साइकिल बहुत ज़्यादा लाइट है। हाँ, ब्रेकर्स हैं यहाँ पर, अरे बहुत ईजीली हो रही है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है आप लोगों के लिए, इस चैनल पे होने वाला है गिव अवे। एक्रॉल ने मुझे इतनी सारी यहाँ पर एसेसरी सेंड करी है, देयर आर सम सीट कवर, देयर इज आल्सो लॉक्स, बड़े सारी चीज़ें हैं। एंड इस गिव अवे के रिक्वायरमेंट्स आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, तो मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं, दैट इज फैट बेकर वैभव, एंड वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। ऑल्सो एक्रॉल के दो और हाइब्रिड मॉडल लॉन्च होने वाले हैं, जो कि आपको इस चैनल पर दिख जाएंगे। एक और एक्रॉल, कौन सी है ये? M600। अरे यार, बार भी लाया था, अच्छी लग रही है। लास्ट मीटर पे कैसे चल रही है साइकिल? मस्त चल रही है, सही में। बस फोर और स्मूथनेस, स्मूथनेस अच्छी है साइकिल का, वो काफी ज्यादा लाइट हो जाता है। दिखा दे इसको, पूरी व्हीली तो मिस कर दी, व्हीली मारते हुए आ रहा था ये। कैसा है? अच्छा, तेरे को देख के मैंने गार्मिन लिया, मेरे को बाद में पता लगा यार ज्यादा महंगा ले लिया ये वाला। कोई मैप अपलोड करना सिखा दो। मैं करूंगा, मैप अपलोड करा दो मेरे, बता दो वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं है आपका, है ना?
दिखा दूंगा भाई मेरे को लगता है आधी ऑडियंस इंडिया में यूज होती, मैं भी नहीं अपलोड करती, पता ही नहीं कैसे होते हैं। हाँ भाई ना, आधे यूज करते वो लोग मेरे को इतना सिरदर्द हुआ ना मैप में। एक अच्छा सा हैक देखा मैंने इसकी, यहाँ पर भी हैक वाली वीडियो में बताऊंगा मैं। तो ये ईयरफोन देखो कैसे इसने लगा रखे हैं, मतलब यहाँ से गिरते नहीं है, इजीली ये यहाँ पर लगा लेता है। वाई इज दैट अ बिग डील? बिकॉज अगर आप दूसरी बस साइकिल देखेंगे इसी सेगमेंट में, कैसे हो? हेलो, हाय, कैसे हो? हाय, कैसे हो? अच्छा, फोन फोटो ले रहे हो या फिर मेरे को आदत पड़ चुकी है अलग पेडल की। हेलो, कैसे हो? नाइस टू सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने साइकिल भी आपके उसके देख के ली थी। अरे थैंक यू, अरे थैंक यू। आपने जो मेरे को शॉप रेकमेंड करी, और नाम क्या आपका? ईशान। आपका? अर्णव। ओके, नाइस टू मीट यू। हां हां, ले लो, कल टेस्ट कर ले, मैं अभी बुलाया हूं। ओके नाइस, यहाँ पर दिल्ली में आए हो? या थैंक यू। हाँ फॉर श्योर भाई, मिर्ची थे तेज लगी एंड मुझे बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट मिला। मतलब ये 28,000 रुपये की यूनिट है एंड सिर्फ मुझे 17,000 रुपये में मिली है, सिर्फ ये टेस्ट के लिए मैंने खरीदी है। 17,000? हाँ सस्ता तो है। 17,000? हाँ 17, मैं 17 बोला, 70 बोला है भाई। जो मिर्ची मैंने भी खाई है ना, मुँह ऐसा जल रहा है, पान खाएगा बहुत मिर्ची यार, मैं खा के आया, बंद कर दे तू उसको। तो मिर्ची थी तेज लग रही है, पान में बर्फ है, बहुत ठंडा है। हाय, कैसे हो ब्रो? क्या साइकिल बना रखी है, फोटो ले। हाँ ले लो, लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर सकते हैं। बाइसाइकिल कैसी लगी आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को ये साइकिल रेफर करना चाहते हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। दिस फैट बिकम द एप ऑफ साइनिंग ऑफ। चलो भाई, रील बनाने इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी सी।